कानपुर देहात में रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। पूरा मामला कानपुर देहात के मंगलपुर गांव का है, जहां करीब 2 साल से एक मनोरोगी महिला घूम रही थी। बीती 5 जुलाई को देर शाम महिला सुखसापुर गाँव के स्थित एक बाग में पहुंची। वहाँ क्षेत्र के सत्यदेव व अचौली थाना मंगलपुर के भूप सिंह व हीरालाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुखसापुर गांव में जयचंद ने शोर मचाया तो तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जयचंद की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके बाद आरोपी सत्यदेव व भूप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन वहीं हीरालाल घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही थी। देर रात मुखबिर की सूचना मिलने पर 2 महीने से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी हीरालाल को आवासपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी अमृत बहादुर ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।